للبلا لحمة دهو ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. आज मैं जिस मौजू को लेकर आपके सामने बोलने की हिम्मत कर रहा हूँ वो है शान औलिया अंदाज़े बयां। अगरचे बहुत शौक नहीं, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी बार। कुरान करीम की जिस आयत की तिलावत मैंने आपके सामने की है उसमें लब तारा अपने मुकल्लब बंदों की शान बयान करते हुए फरमाता है कि ए लोगो, खबरदार, जो लोग मेरे मुकल्लब है, जो लोग मेरे करीबी है, जिन लोगों को मेरा खुद हासिल है, जो लोग मेरे दोस्त है, जो लोग मेरे वली है, उन पे नहीं तो किसी चीज का गम और नहीं किसी चीज का खौफ। यानी और ये काम की जमात वो मुकद्दस जमात है कि जिनके दिलों में खौफ खुदा इतना अलग बस गया है कि अब उन्हें अपने रब के सिवा किसी चीज का खौफ और गम हो भी कैसे सकते है। समीर मौत उन्हें किसी चीज का खौफ और गम हो भी कैसे सकता है कि जिनके बारे में रब कायनात ने एक कोई मकाम पर फरमाया कि हम दुनिया और आखिरत की जिंदगी में तुम्हारे साथ हैं। हम दुनिया और आखिरत की जिंदगी में तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। तो सोचिए, और ये अल्लाह इतनी बड़ी ताकत के मालिक हो, इतनी असमत और जलालत वाले हो, इतने कुर्ब वाले हो, इतने शर्फ वाले हो, इतने तकवा वाले हो, तूने अपने लब के सिवा किसी चीज का हो भी कैसे सकता है कि जिनके बारे में अल्लाह इकबाल ने फरमाया कि ना तख्त ताज ना लश्कर और सिपा में है, जब बात मर्द कलंदर की बारगाह में है। जिस सिलसिले के बुजुर्गों से हमारा ताऊक, उनकी तो बात ही कुछ और है। ख्वाजा बाकी बिल्ला से किसी मुरीद ने पूछा बजूर बंदा तो फानी होता है, तो बाकी बिल्ला का क्या माना है? तो आपने फरमाया ये सवाल उससे पूछ लेना जो मेरा जनाजा पढ़ाने आएगा। तो जब आपका विसाल हुआ तो एक निकाह पोश आगे बढ़ा, उसने जनाजा पढ़ाया। जब वो जनाजा पढ़ा के जाने लगा तो मुरीद भी सफ में खड़ा था। उसने भाग कर जाकर दामन पकड़ा और अर्ज की, हुजूर चाहते चाहते ये बताते चाहे कि फना क्या है, बका क्या है। जब उस निकाह पोश ने अपना निकाह पलटा तो देखा हुजूर ख्वाजा बाकी बिल्ला खुद थे। तो उसने हैरान होकर पूछा, हुजूर ये क्या? तो आपने फरमाया, ये जो लेटा है वो फना है, ये जो पढ़ा के जा रहा है ये बका है। अहबाबे जी बका और ये कलाम को बारगाह खुदावंदी में किस कदर को हासिल है इसके बारे में मैं आका का इरशाद सुनिए। आका फरमाते हैं कि रब तआला फरमाता है, जब कोई शख्स कसरत नवाफिल से मेरा खुद हासिल कर लेता है तो मैं उसके कान बन जाता हूँ जिससे वह सुनता है, मैं उसकी आंखें बन जाता हूँ जिससे वो देखता है, उसके हाथ बन जाता हूँ जिससे वो पकड़ता है। जब मैं मकल्लब बंदा
तुम से बेशुमार अता फरमाता हूँ। तो जरा सोचिए, अल्लाह के मकल्ले बंदों को अपने रब से इतनी कुर्बत हासिल हो जाती है कि कान उसके होते हैं, समाअत खुदा की होती है, बस आंखें उसकी होती हैं, बसालत खुदा की होती है, हाथ उसके होते हैं, ताकत खुदा की होती है। इसीलिए तो कहते हैं लोया अग्न लग के अग होवे फिर क्यों ना बंदे विच लब होवे, फिर क्यों ना बंदे विच लब होवे। आखिर में मेरी गुफ्तगू का खुलासा और पैगाम ये है, पैगाम ये है कि अल्लाह का फरमान कूनो मासादिकिन पर अमल करते हुए किसी अल्लाह के वली से दोस्ती कर लो, किसी दानिश का दामन थाम लो, किसी हक पास के कदमों से लिपट जाओ, किसी अल्लाह के वली से दोस्ती कर लो ताकि तुम्हारा ईमान अमल और तक्वा की हिफाजत हो जाए, ताकि तुम्हारे ईमान अमल तक्वा की हिफाजत हो जाए, तक्वा की हिफाजत हो जाए। अल्लाह ताला से हमें दुआ है कि वो हमें औलिया कराम की इताअत और फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमाए। इसी शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा कि अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह ना मिले तो ये अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग।